एक प्लान आया मेरे दिमाग में। बोल बोल जल्दी बोल। कहा अम्मा और कमिश्नर को पानी में बहा देते, टंटाई खत्म। नासपीटी, कल की आई तू हमारे घर में हमें ही नदी में प्रवाहित करेगी, तेरे नींबू निचोड़ देंगे हम। अरे यार अम्मा, गाजर का हलवा भी तो आपने ही खाया था। चुप हो जाता मैं। अब सारो पूरी कहानी क्लियर भाई ना। अब हमें समझ में आ रहा होगा कि वो सारो कमिश्नर हमारी बिटिया के पीछे काय पड़ू है। सारो चैन से नहीं बैठ रहा हूँ। हपुआ हमें सच्ची में पता ना तो कि हलवा खाने के बाद इतना बड़ा नुकसान है जाओगे। मैं तो कछु नहीं पता, बिलैया को ब्याह नहीं पता है तो मैं पता है कि भरपाई कैसे होगी। अबे तो कमिश्नर को जो तक नहीं पता, बाकी भांजा की पिटाई अपनी बिटिया मलाइका ने करी है और वो सारो अड़के बैठ गए है। कह रहा हूँ अप्पू सिंह, जब तक हमें पता ना चलेगो कौन सी बिटिया है, कौन सी लड़की है, जो ने हमारे भांजे मतलब कमिश्नर के भांजे को कूट दो, अड़गा हुआ सारो वो, तुम हलवा पेल लो। ये तो गलत बात हो गई। ये सब मामला तभी निपटेगा जब तक कि पंडित जी ना नया उपाय ना बता दे। ये सही कहा तूने बिन्नो, हम अभी जाते हैं, फिकर ना कर, हम अभी पंडित के पास जा रहे हैं, वहां से उपाय पूछ के आते। ना ना अम्मा, हम हाथ जोड़ रहे हैं, तुम कहू ना जाओ। अगर पंडित जी ने गलती से बोल दो कि जा टाइम मिठाई पे मंत्र अभिमंत्रित करी है, वो सबसे पहले तुम्हें पेल लियो। वो तुम्हारे भरोसा नहीं है, तुम घर में बैठो, हमें ही जाइए, हम लोग सब निपट लिए। ठीक है तुम्हें चकर आ रही है, बस कौन गड़बड़ ना कर दियो। अब और कछु सहने की शक्ति नहीं है, हमारी दिमाग बिल्कुल भरना रहो है। तुम 5 साल हलवा नहीं खाओगी घर में। अरे हम मीठा बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, चटनी रोटी खाओ। बुजो भैया केला। जी देख मैं ले आयु, मैं जीवी को ले आयु। ओ देखो ना क्यों मैं बूझो के हरकते कर रहा था तू। ये मारी छोटी बहन के बाल पे चिंगम चिपकाएगा, लगता है तन्ना ना मारा नाम ना सुना। मलाइका सिंह, और तेरे जैसे ना अच्छे अच्छों की लस्सी भी लोगे मक्खन निकाल देती सू। दीदी आप ना थोड़ा आराम से बात करो, वो ये बूजा है ना, ये एक नंबर का पागल इंसान है। अरे अपने से बड़े बड़े को उछाड़ के पछाड़ देता है, ऐसे पटक देता है, फिर आप तो कुछ भी नहीं, उसके सामने पंगा मत लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात इधर देखो, हम क्या कहते हैं ना, हम स्मार्ट गेम खेलते हैं, चाकू ना धक्का देके भाग जाती है। हाँ, फिर उड़ भी नहीं पाएगा। जाती लड़नू बहुत मुश्किल है गो, कापा तो जाने हमें पीपल के पेड़ पे लटका दो उल्टू, फिर बाद में जाने चुंगम खिलाती, पता है जाकू भाई जादूगर है, पीछे से कछु भी निकाल देते हुए। बहुत देख ली बे तेरी नौटंकी, और क्या हरकतें कर रहा है ये अपने से छोटे ये कमजोर बच्चे, दो पसली वालों पे हाथ उठा रहा है। जी दीदी आप रहने दो ना, क्यों इतने डॉन बन रहे हो, शांति रखो ना आप। ओए बुजो आराम से बात करेंगे, यहाँ पे मारपीट नहीं करेंगे, समझा, आराम से बात करेंगे और सबको निपटा देंगे। अब भैंस की पूंछ कुछ ना होगा। चल बे बूजो आजा मैदान में, देख तू कितना गुर्दा सा तेरे भीतर। मलाइका दीदी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बाद में हरियाणा पुलिस में भर्ती होना चाहते हो ना? अच्छा, हमारे चर्चे दूर दूर तक फैले सर। हाँ दीदी, मैं तो आपकी तरह बड़ा होकर दबंग पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। अच्छा, इन छोटे छोटे कमजोर बच्चों पे हाथ उठा के देख, अपनी ताकत का ना गलत इस्तेमाल ना कर, वरना किसी दिन शेर को सवा शेर मिल जाएगा। जी दीदी। और सुनो ए बूजे, हम भी ना मतलब हम लोगों ने देखो माफ कर दिया, छोड़, और आगे से अपने से कमजोर पे हाथ नहीं उठाना, समझा, मैं भी नहीं उठाता हूँ। हाँ?
ए मुखर्जी कितना कर रहे हो? जाने बोलो, देख जाके मुंह से बोल। ये पकड़ भाई पकड़। मलाइका जी, पपीता सेहत के लिए अच्छा होता है, ले लो घर पे काट के खा लेंगे। बस पंडित जी जो कष्ट को निवारण कर दें, क्या बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है, मैं बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, वो पंडित कभी कचोरी में मंत्र फूंक रहे हैं, कभी गाजर के हलवे में, सीधे तरीके से पूजा क्यों नहीं करते हैं? हमें लगता है जहाँ में कुछ भलाई छिपी हुई है ना। हमें रुको, आगे जाने से पहले चढ़ावा नहीं चढ़ेगा क्या? कैसे रास्ता रोक रही है? रज्जू तो देख नहीं रही, उसके हाथ में चाकू है, चाकू दिखा के कौन रास्ता रोकता है? कितनी कितनी समझदार है ये आंटियाँ। अबे ओए आंटी, किसको बोल रहे हैं बे? आंटी वंटी बाद में, पहले माल देना इधर। क्या समझे क्या? ये रुमाल खोल। मैं ये जो तुम ताड़ रहे हो सब नकली सोने का पानी चढ़ा हुआ है। हाँ चलेगा, सोने का पानी ना चलेगा, दो। अरे सब सही बता रहे, सोने से कम नहीं, खोने से कम नहीं, कछु ले जाओ, कछु मतलब नहीं है। दे उधर कंगन, ये चाकू आग पर हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। ये भी नकली है। मौसी यू क्यों रस है? ए तुम लोग बीच में आने का नहीं, क्या बोला ना, बीच में फंसने का नहीं, नहीं तो ये चाकू ना आरपार हो जाएगा क्या? अरे बाप रे, इस चाकू आकू दिखा रहे, दिखा के दिन दहाड़े ये लूटपाट मचा रहा है। दीदी देखो, वो तो मन ने भी दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा हो तो कछु करो ना, कहना रोक कहना रही हो जो आदमी को कूटो। ए ये लड़की क्या रोकेगी, अरे इसे तो मैं फूंक मार के उड़ा दूंगा क्या है? मलाइका तुम जाको धोई कर रही हो। मम्मी पापा ने धोने का पाउडर तो ले लिया है, बेचारी मलाइका जी कुछ भी नहीं कर सकती। मन्ना क्यों कोस रही सा मम्मी? एक तो बापू ने अपनी कसम से हाथ पा बांध रखे, मैं कुछ भी ना कर सकती। सही बात है। अबे ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये कंगन भी उतार के दो। भैया जी कंगन हमने बहुत पापड़ बेल के लाए हैं, जो नहीं हो। तुझे कंगन प्यारे या गर्दन? कंगन हमारा मतलब गर्दन प्यारी भैया, गर्दन निकालो, कंगन निकालो। मलाइका तुझे तो वो कराटे शराटे आते ना, दिखाना। आता तो बहुत कुछ है मौसी, पर उसके लिए बापू की परमिशन लेनी पड़ेगी। रुको रुको दीदी, मैं कुछ करता हूँ। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा बोल, रहते? अरे यहाँ पे ना दिन दहाड़े आपके होते हुए भी यहाँ पे गुंडे गुंडे आ गए हैं, और बोल रहे कि जेवर वेवर सब निकालो, बेचारी बिमलेश मौसी और मम्मी तकलीफ में है। एक सेकंड, तुम्हारे कहाँ पे हो? हम आप यहाँ आ रहे। अरे आप आओगे तब तक तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसे यहाँ पे मलाइका दी है। एक काम कर, तू जल्दी से मलाइका को फोन दे, फोन दे बाको। मलाइका दी जल्दी आओ, बात करो। हाँ बापू। जो हम का सुन रही? अरे बेटा हमने हाथा पाई की लाने, दूसरन को हाथ उठाने नहीं है, जाके लाने मना करी थी, लेकिन जाको मतलब जो थोड़ी क्या अन्यास है, हमने तो तेरी पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, भविष्य खराब ना हो, जाके लाने या बेगुनाहों को फालतू में चौराहे में कूटती फिरती थी, जाके लाने या बेटा मना करी थी है, लेकिन जो 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 अत्याचार निशान है मुँह तोड़ दी उनको, जा बेटा जा, हाथ से हमने कसम वापस ले ली, जा। के बापू फालतू में मारा, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, चलो बात करने का टाइम ना से। हाँ हाँ समझ गए समझ गए, धूम धड़ाक धूम धड़ाक। बाय बाय। अबे ओए भैंस की पूंछ, बहुत हो गया तुम लोग का, चलो निकलो यहाँ से। बेटे यहाँ से सिर्फ तू जावेगा, और वो भी एम्बुलेंस में, क्योंकि अब मारे बापू ने हमारी कसम वापस ले ली। हे, हे! कौन सी कसम? बोल के ना बताती मैं, रुक जा तू एक्शन देख ले। हाँ एक सेकंड। हे लाठी का जोर क्या दिखा रही है, हे जा बता। तू जा। चाकू लग जाएगा, पीछे हो जा।
माफ कर दो दीदी, मैं शरीफ हो जाऊंगा। अच्छा उठो, एक एक चूड़ियां उठाओ इतने लेके आओ, चलो उठो। दीदी दीदी माफ कर दो, हम छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे हम लोग। चलो कान पकड़ो, मुर्गा बनो जल्दी। वाह बेटा वाह, जो तूने आज काम किया है ना, एकदम मजे ही आ गया। हमें तुम पे गर्व है। अपू सिंह जय सर। गैंगा गैंगा आओ आओ, आप जो टाइम पे अचानक। अपू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए सर। कौन सी उम्मीद आप? कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगे। कौन सी बात? मैं समझे नहीं, कौन सी बात? सर मुझे लगता है कमिश्नर साहब को आपके कोठे वाली बात पता चल गई। कोठे? कौन से कोठे वाले? अरे जो झूठ बोल रहा है सर, आपको नहीं पता? अरे चुप कर। परसों रात को ये मुन्नी मंचली के कोठे पर उसका मुजरा देखने गए थे। अरे नहीं नहीं, जो जो झूठ बोल रहा है, हम केस के सिलसिले में गए थे, बहुत अहम केस है। अब इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जितनी भी बधाई देनी चाहिए उतनी कम है। नहीं नहीं सर, ये आदमी बिल्कुल भी प्रमोशन के लायक नहीं है। मेरा मतलब किस बात की बधाई सर? कौन सी बात की बधाई सर? छुपाई ना तुमने मलाइका वाली बात। आपको पता चल गई? अरे मुझे क्या, ये बात पूरे कानपुर को पता चल गई है। कितनी बहादुर और होनहार बेटी है तुम्हारी, कैसे जमकर उसने गुंडों की पिटाई की है। बिल्कुल सर, हप्पू सर के बच्चे बिल्कुल भी उन पर नहीं गए, वो तो निडर और बहादुर है। बच्चे साहब जब बात आपको बताई कौन ने? पता कैसे चला? ये देखो, मलाइका का गुंडों को पीटने वाला वीडियो पूरे कानपुर में वायरल हो रहा है। देखो कैसे जमकर धुलाई कर रही है, छक्के छुड़ा रही है सबके। क्या बेटी है तुम्हारी, वाह वाह। थैंक यू सर। वैसे हमने देखो, बाप होने के नाते कई बार समझाओ है, ज्यादा हाथ पांव ना चलाओ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, मानते ही नहीं है। नहीं 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 हप्पू, उल्टा तुम्हें जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। कैसे गुंडों के छक्के छुड़ा रही है वो, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने हाथों से मैं उसे मेडल दूंगा। अरे साहब आपने बस इतना कह दो, हमारी समझ लो बिटिया को मेडल मिल गो, मेडल की जरूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद काफी है। नहीं हप्पू नहीं, इससे बच्चों को हौसला मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है। एग्जैक्टली सर, और हप्पू सर आपको तो खुश होना चाहिए, जो काम एक निठल्ला बाप नहीं कर सका वो मलाइका ने कर दिखाया। तुम अपनो मुंह बंद करन को कल होगी। मामा। भांजे। मामा। भांजे। वो लड़की मिल गई। कौन मिल गई? वही जिसने मुझे जोर जोर से पीटा था, ये देखे, ये उसका वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ मेरे पास। हाँ actually thanking God, meaning you know father taking back his fair, otherwise you're not saving mother and mouse and something big problem happening. केड दीदी मन्ने मारने पीटने का शौक ना से, पर इनके जैसे चोर उचक्के मारने पीटने में मजबूर कर देते। No, but Meej very much happy that you beating that man, meaning now he not even thinking to you know doing anything to his or anybody else's mother sister or anyone respect. Good. हाँ बस उसी चक्कर में हाथ में सूजन सी आ गई। माय गॉड, यू एक्चुअली टेकिंग रेस्ट, यू स्लीपिंग ओके? हाय कैट। हाय कमल। हाय। ओह बिंदी,
हाउ हाउ आर यू पिद्दी माय पिद्दी ओ पिद्दी 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 कमलेश एक्चुअली व्हाट मीन्स सेइंग दैट यू गोइंग बैक होम बिकॉज मलाइका एंड मी वी बोथ वेरी स्लीपी स्लीपी वी टॉकिंग other day you going Kamlesh you going no why mood sleeping early in the night mein why sleeping itni early are we to coming here playing with her yes you can play with me carrom board saap seedhi saap ladder also main isko hara dunga chutkiyon mein abhi main bhara baitha hu Kamlesh you know what today all game becoming very much costly for you. You going, Kamlesh? No, me not going. मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ. मैं me can say all everything. मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ. And she just boiling blood just like अंडा. But कुछ कर नहीं सकती बिचारी. दीदी. केर दीदी तू जो शांति रख. इससे मन ने बात करने दे आज. Yes. You're welcome. Always welcome. Anyway, tomorrow me and Kate going for a must movie. You can join us very beautifully. मन ना लगता तो कल मूवी देखने जा पाएगा नो व्हाई मुश्किल बाबा वी तो गेटिंग टिकट्स टुगेदरनेस मी एंड कैट टिकट तो मिल गए तन्ने पर जाने के लिए हाथ पांव भी तो साबुत होने चाहिए उड़ के थोड़ी ना जाएगा गोइंग कमलेश मी मिसिंग मीटिंग यू गोइंग नो अंडरस्टैंड व्हाट यू मीनिंग मी माय हैंड माय फिंगर्स मम्मी फिंगर मदर फिंगर बेबी फिंगर And long finger. Everything is fine. Oh my God, fit and fine, totally fine. यार कैट कैसी बात कर रही तुम? Yes, play. अब ना रहेंगे. अरे, Omens, you want to play kabaddi? Let's kabaddi. Oh my God. Think of let's kabaddi. Yeah. Cheating. This is cheating. You breaking sweat of your papa ki. मेरे बापू ने कूटने का लाइसेंस वापस कर दिया मतलब बापू ने अपनी कसम वापस ले ली अब बोल पिद्दी कौन पिद्दी का बहुत तुम बड़े थके लग रही हो आओ तुम्हारा मूड फ्रेश कर दे क्रीम लगाए क्या ना 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 दादा सुनो तो मूड ना है बिल्कुल अबे काहे तना खोपड़िया बनाई जरूरी हम बोला कमिश्नर चकर घिन्नी बना दो हमें तो अभी भी सारी की आवाज ना कान में गूंज रही कहो तो हम कान में कूक दे फिर हमारी आवाज सुनाई दिए क्या यार बेनी क्या जब देखो जब फाइल में घुसे हुए रहते हो मुझे नींद नहीं आ रही है तुम एक काम करो ना कुछ खा लो खाली पेट नींद नहीं आती ऊपर से गैस भी बन जाता है सुनो अभी हम तुम्हारा सामना ना कर पाएंगे तुम बिल्कुल चुपचाप सो जाओ अभी पसर जाओ हमें तो लगो कि हमारी एक नजर काफी है हु? ना ना अरे छोड़ो अबे हमारे काहे खोपड़ गया बिल्कुल सुन्न पड़ी है अबे कछु मूड नहीं है कहो तो तुम्हारी सोई इंद्रियां जगाए देगा यार तो हमें पता है भैया हमें पता है हमारी रज्जू में इनका से कम नहीं है लेकिन हम विचलित नहीं हो रहे अबे हम अपने आप को बिल्कुल सन्यासी समझ के रोके हैं रोक के रखे अबे तुम हमारी तपस्या भंग ना करो अबे बिल्कुल संट है पड़ गया थकू लग रहा मामलो ढीलो मुट्ठी बंद नहीं हो रही अब सो जाओ ये क्या बात हुई बेनी हुँ? एक तो मुझे नींद नहीं आ रही है ऊपर से तुम बोले सो जा तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो करो तुम्हारा युगांडा का केस करो उसमें जीत जाओगे लेकिन ये घर के केस में ना तुम हार गए हो इतना अच्छा माहौल बनाओ सब पूरे माहौल पे पानी फेर दो अरे ओ दादा
अरे अरे अबे ओहो अरे तुम अबे तो ढंग से मलिए ही नहीं है। अरे हम तो ऐसे मर जा कर अबे देखो हमें अचानक से तरोताजा फील कर रहे अपने आप को एकदम फ्रेश हो गए सुनो आओ आओ अरे यार तुम तो ना कमिश्नर की वजह से हम तो ना चरचर आ गई थी आओ फरफर आ जाए आओ भलैया को ब्याह है आओ अंदर जान जान कोर्ट कचहरी खेले तुम मुजरिम मैं वकील अदालत की कार्रवाई शुरू की जा